हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैंपिंग इंगल आउटडोर्स। और आज हम सेट करने वाले हैं कोलमैन का डार्विन 3% टेंट। तो इसमें दो रोड होंगी क्रॉस में, एक ये अलग रोड आ गई फाइबर रोड। ये इनर लेयर आ गया, ये आउटर शीट आ गई। आउटर शीट आपने बाहर रखनी है पहले, इसको रोड के साथ रख लेता हूँ। इसको किया ओपन, ये अंदर की ब्रेदेबल लेयर आ गई, डोम स्ट्रक्चर। फिर फोल्डेबल रोड्स को हमने ओपन करना है, इसको सिंगल हैंडेडली भी पर्सन लगा सकता है। इसको ओपन किया रोड्स को, तो देख रहे होंगे हमने रोड सीधी कर ली हुई है, तो इनको हम डायगोनली लगाएंगे। तो डायगोनली कैसे प्लेस करेंगे, पहले हम सबसे पहले एक रोड लगाएंगे कॉर्नर में। तो जैसे दिखाया वहाँ पे पिन में इंसर्ट करना हम सबसे पहले रोड को। आयुष आपको डेमो करके दिखा देंगे, ये पिन में इंसर्ट किया इस होल में रोड में। अब इस रोड को ऐसे हम स्टेबल रख देंगे और दूसरी रोड के साथ काम करेंगे। तो दूसरी रोड को भी डायगोनली लगा देना आपने, ये भी उसी तरह से पिन में इंसर्ट होगी। तो इस तरह से पिन में इंसर्ट हो जाएगी और दूसरी साइड हमारे पार्टनर भी लगा चुके पिन को। अब रोड सीधी करने के बाद हम इनके हुक्स लगा देंगे। आप टॉप से स्टार्ट कर सकते हो या साइडवेज भी स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से। बस इस तरह से टॉप इसका आपने बांध लेना है रोड के सबसे टॉप से। और उसके बाद हम इसके ऊपर ये हमारी इनर लेयर्स लगी है, ये ब्रेदेबल होती है, वाटरप्रूफ नहीं होती है। ये वाटरप्रूफ शीट है, तो आप डायरेक्टली इसका डोर देखोगे, ये डोर है, ये डोर की साइड रखना आपने और इसको ऊपर बिछा लेना। तो ये डोर आ गया। अब हमें इसके साथ टेंट के साथ टैक्स दिए हुए हैं, जिन्हें स्टील स्टेक्स भी बोलते हैं हम नॉर्मली, जो ग्राउंड में टेंट को स्टेबल करने के काम आती हैं। हमें गाय रोप्स दे रखी हैं साइड में लगाने के लिए, मैं दिखा दूंगा कैसे लगानी है। और ये हमारे पास स्टील स्टेक्स दे रखे हैं, जिन्हें हम नॉर्मली पैग्स भी बोलते हैं, स्टील पैग्स। ये क्या करना आपने, आपने कॉर्नर देखना है इसका। कॉर्नर में इस तरह से 45 डिग्री एंगल में आपने इसको ग्राउंड में बोर कर लेना है। और इसमें आप टैग्स लगा सकते हो और भी चाहो तो, आपको इस तरह से मिल जाएगा स्पेस। इसको ऐसे खींचा और डायरेक्टली आप चाहो तो यहाँ पे इसको इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। इसी तरह से सारी गाय रोप जो है आप चारों कॉर्नर में लगा के इस टेंट को फाइनल सेटअप कर सकते हो और ग्राउंड में स्टेबल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।